संगीत दुनिया की वो कला है जो कि व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में म्यूजिकल परफॉर्मेंस बाय हवास गुरुही फ्रॉम उज्बेकिस्तान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े अतिथि गण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें थबांग, लिनुस खोलुमो, चार्ज्ड अफेयर्स, हाई कमीशन ऑफ लेसोथो, अनास्तानिया, वोराक, काउंसलर दूतावास बेलारूस, हवास गुरुही समूह, गुलोम जानो खाकरमन, गुलोम जानोवा शकनोजा, गुलोम जानोव दोस्तोनबेक, गुलोम जानोवा रोबिया कोहन मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। हवास गुरुही एक उज्बेकिस्तानी संगीत समूह है जो कि लोकप्रिय रूप से भारतीय गाना गाने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में बॉलीवुड फिल्में काफ़ी लोकप्रिय हैं। वहां राज कपूर, शाहरुख खान, सिंगर सोनू निगम, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह जैसे अभिनेताओं के बड़े प्रशंसक हैं। हवास गुरुही ने कार्यक्रम की शुरुआत में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय गीत और भारत के राष्ट्रीय गान गाकर उसके बाद बॉलीवुड के जीना यहाँ मरना यहाँ, आवारा हूँ, हर दिल जो प्यार करेगा, कुछ कुछ होता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम जैसे गानों से वहाँ मौजूद लोगों को गाने और थिरकने के लिए मजबूर कर दिया और अंत में वंदे मातरम सबके साथ मिलकर गाया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि म्यूजिक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का काम करती है, व्यक्ति के स्ट्रेस को भी कम करने का काम करती है। म्यूजिक के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। बॉलीवुड म्यूजिक तो सबसे अच्छा है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि गण ने हवास गुरुही समूह के गानों की खूब प्रशंसा की। कला और संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की सराहना की। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा शॉल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण, मारवा स्टूडियो और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इंडो उज़्बेकिस्तान की फ्रेंडशिप का इससे बेहतर उदाहरण शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। हमारी पूरी कोशिश यही थी कि उज़्बेकिस्तान के ये चार मेजर सिंगर और उनके साथ दो और आए हुए जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे ग्रुप को, जो ताशकंद से नई दिल्ली पहुंचे हैं और जिन्होंने यहाँ AFT के इस प्रांगण में मारवा स्टूडियो में एक शानदार परफॉर्मेंस दी है। इस डेढ़ घंटे की, पौने दो घंटे की परफॉर्मेंस में उन्होंने सब कुछ कह डाला। वो तमाम चर्चित हिंदुस्तानी गाने, हमारी फिल्मों के गाने, खासतौर पे जो बॉलीवुड में चर्चित रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है और लोगों ने उसको अब उतनी ही मोहब्बत से एक्सेप्ट किया है जितना कि हम लोग खुद अपनी फिल्मों को पसंद करते हैं। और विदेशी भाषा को इस खूबसूरत तरीके से तैयार करना, 50 से भी ज़्यादा गानों को और उनकी धुनों को याद रखना, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा लगन, मोहब्बत, पैशन और म्यूज़िक का एक एग्ज़ाम्पल देखना बड़ा मुश्किल है। मैं इंडो उज़्बेकिस्तान फिल्म और कल्चर फोरम का अध्यक्ष हूँ। मैं उज़्बेकिस्तान की सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपना कल्चर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में चुना है और उसी के अंतर्गत हमारी कोशिश रहती है कि हम हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान के मिलन को, उसकी
उसके मेल को आर्ट और कल्चर के ज़रिए, कला और संस्कृति के ज़रिए आपस में बांध के रखें। और यही वजह है शायद कि पिछले इन 3 सालों में जो टूरिस्ट है हमारे हिंदुस्तान से उज़्बेकिस्तान की तरफ, वो 4 गुना हो गया है। और जो कुछ भी हम लोग यहाँ करते हैं, जिसमें आप लोगों की भी बड़ी मदद रहती है, क्योंकि प्रेस का एक बहुत बड़ा भाग होता है। जब हम यहाँ कोई इवेंट करते हैं या उज़्बेकिस्तान से कोई यहाँ आता है, तो उसकी बात पूरे देश भर में फैलती है और लोगों को पता चलता है कि एक खूबसूरत मुल्क सेंट्रल एशिया में भी मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि सफलता जो है वो देखी जा सकती थी कि यहाँ हर एक आदमी ताली बजा रहा था, टांगे हिला रहा था, नाच रहा था, मस्त हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम बेहतरीन और खूबसूरत ढंग से सफल हुआ है। और जिस कारण की वजह को लेकर हम लोगों ने इनको बुलाया है, वो कारण भी एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया है। Yeah, today I enjoy it, and this group surely took my heart. I could not hear the words, but the melody of the voices of these guys surely is beyond this world. And I had to also listen to the mix of the instruments. No, it was lovely. So I enjoy it, and surely music unites the whole world, because even though I could not hear the words, but the rhythm surely is out of this world, and I enjoy it from start to the end. I was enjoying the music. How was your experience in Marwa studio? No, the experience was lovely. I mean, the audience was lovely. I mean, everybody was good. And I think the musicians achieved their goal, because in music we convey a message. So I could see that the audience was actually getting the message from the musicians. And I was so very happy. Hello, dear friends. My name is Kakramon. I'm from Tashkent, Uzbekistan. We are with our family group Havas Guruhi, performing the second time in this beautiful university, AFT University. I would like to say thanks to Sandeep Marwa sir for a chance to for inviting us for this beautiful show. It was very, very amazing. The people, students, and all guests was very, very happy, and we was very happy. So I hope in future we'll do more like this kind of shows, like Indo-Uzbek culture programs. So wish you all of you the happiness and good health. Thank you very much. मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक इज़ डिवाइन, क्योंकि वो परा से उतरता है, डिसेंड्स फ्रॉम द डिवाइन, यू नो, देन इट गोज़ थ्रू द बॉडी, आई मीन थ्रू द माइंड एंड देन गोज़ थ्रू द बॉडी। सो वन अ सिंगर इज़ सिंगिंग, ही इज़ डिवाइन, यू नो, बिकॉज ऑल दोज वाइब्रेशंस विच आर कमिंग फ्रॉम डिवाइन, विच वी कॉल एज नाद, you know, in Bible it is said the word was made the word was made flesh, you know. So this is what is kalma in Quran, and in our scriptures it is known as naad. So the music descends from beyond, and when it comes, each part of your body, because in the body you have got 50 trillion cells, and each cell has got a soul, mind, and a body. They are all connected to the source. So music is one thing which really descends, and that is what joins together, because that is what is spirituality. Wherever there is a program at Mr. Sandeep Marwa, it has been always of a very great magnitude, and it has conveyed a very great message of Indo-Uzbekistan cultural relations. And from Kashmir, I really give compliment that this should be maintained very well. Thank you very much.